सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनका ये फैसला कुछ ही देर में गलत साबित हो गया जब रोहित शर्मा और शिखर धवन आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए 18 गेंदों में 2 छक्के लगाकर, वहीं शिखर धवन ने 12 गेंद इस्तेमाल करते हुए 9 रन बनाए और वो भी बोल्ट का शिकार बन गए। उसके बाद विराट कोहली ने अपने हाथ दिखाते हुए टीम इंडिया को बनाया, मजबूत स्थिति में पहुंचाया, क्योंकि एक वक्त तो टीम इंडिया लचर स्थिति में दिख रही थी। 71 रन पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन विराट कोहली ने अपनी बैटिंग को संवारा, 121 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी के दौरान 9 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 12 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दिनेश कार्तिक ने 37 रन बनाए और महेंद्र सिंह धोनी 25 रन से ज्यादा नहीं बना पाए 42 गेंदों में 2 चौके लगाकर। इसके अलावा उम्मीदें हार्दिक पांड्या से थी, लेकिन पांड्या भी 16 रन ही बना पाए 16 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर। आखिर में भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बल्लेबाजी की और 26 रन का योगदान दिया और इन सब के साथ टीम इंडिया ने 280 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 50 ओवर में। अब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 281 रन बना रहे हैं 50 ओवर में। देखना होगा कि भारतीय गेंदबाज अब कैसा प्रदर्शन करते हैं। पल पल की अपडेट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।